वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। लिसाड़ी गेट में कारोबारी के मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात की चोरी। दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट में कारोबारी इमरान के घर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इमरान अपने परिवार के साथ शुक्रवार को शादी समारोह में गया हुआ था। शनिवार की सुबह इमरान के पास पड़ोसी का फोन गया और उसने बताया कि उसके मकान का मेन गेट खुला हुआ है, जिसके बाद इमरान अपने परिवार के साथ अपने घर पहुंचा तो देखा कि मकान का मेन गेट खुला हुआ है। घर की हालात देखकर इमरान के होश उड़ गए। इमरान के मकान का सारा सामान तितर बितर पड़ा हुआ था और घर में रखे लाखों रुपये के जेवरात, नकदी, LED TV आदि चोर ले गए थे। इतना ही नहीं, चोरों ने बच्चों की पैसे जमा करने वाली गुल्लक तक को नहीं छोड़ा, उसको भी तोड़कर उसमें से भी पैसे निकाल कर ले गए। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने घर में रखे संतरों की दावत उड़ाई। फिलहाल पुलिस को तहरीर दी गई है, पुलिस मामले में जांच कर रही है। देखिए पीड़ित इमरान से मिली जानकारी। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले? भैया मैं शामनगर, ये DK फैक्ट्री के सामने घर है। आज आपके जो घर में हुआ चोरी हुई है, किस तरीके से चोरी हुई है, क्या सामान गया है? मैं यहाँ पे था नहीं, कल रात शादी में गया हुआ था। सुबह मेरे पास यहाँ से फोन आया कि आपका दरवाजा खुला हुआ है, क्या बात, खैरियत तो है, आप हो नहीं यहाँ पे? मैंने नहीं भाई साहब, देखो अंदर जाके क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने जो देखा कि जी सब फैला पड़ा, आओ यहाँ पे। तो फौरन आया, आके देखा सब आपके सामने है। ये सेठ थे सोने के, कैश रखा हुआ है, इधर से LED उतार के ले गया, बच्चों की गुल्लकें पड़ी हैं, सब फैला के गया हुआ है। चेन थी। कितने रुपए का नुकसान है लगभग? भैया कम से कम बता रहा हूँ मैं, अगर आप एस्टिमेट ऐसे ही जोड़े 6-7 लाख रुपए का तो है, जिसमें कि ये गोल्ड हो गया मैन। दो आप शादी में कल गए थे, किस टाइम गए थे यहाँ से? मैं यहाँ से गया हूँ भैया ईशा के टाइम, ये करीब होगा टाइम 7:30 बजे का। आपको सूचना किसने दी है? ये मेरे साथ सामने ही घर है, वो भी एक पूछ रहे थे फोन पे के तुम हो या नहीं हो, तब पता चला है, क्योंकि हमारा गेट खुला नहीं रहता। अब गेट खुला हुआ है तो सामने वालों ने बोला कि यार गेट कैसे खुला हुआ है आज, और कुत्ता निकल के गया यहाँ से। तब उन्होंने बोला कि यार यहाँ कोई है नहीं क्या? अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी है? जी, हम पुलिस को फोन कर दिया था। आई थी पुलिस? जी, 100 नंबर पे उनका मैसेज भी आ गया था जब ही, कि सूचना आपकी एक्सेप्ट कर ली गई है, और वहाँ से बंदे फैंटम वाले आए हैं, वो पिक्चर वगैरह सब लेके गए हुए हैं, और बोला है कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पर आपकी रिपोर्ट वगैरह लिखवा दीजिए। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV, और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंजाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।